कौन सा मुल्क ज्यादा आगे चला जाएगा? पाकिस्तान। इंडिया ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इंडिया हो चुका है पाकिस्तान। पाकिस्तान, इंडिया हमसे बहुत आगे है। बड़ा क्लियर एक थॉट है, वो ये है कि जी इंडियंस जो है वो अपने आईटी सेक्टर में, अपने सर्विसेज सेक्टर में बड़ा ज़बरदस्त डेवलप कर रहे हैं। उन्होंने अपने ही मुल्क में इस तरह के आईटी जोन्स बनाए हुए हैं जहाँ से उनके आईटी एक्सपर्ट्स निकल रहे हैं। तो उसकी सबसे बड़ी आईटी हब्स हैं वो आपके कैलरा उनके बेंगलोर और कैलरा में। उनका ये है कि उन्होंने वहाँ पे आईटी जोन्स बनाए हुए हैं और वहाँ से ज़बरदस्त एक्सपर्टीज निकल रही है। देखा जाए तो इंडिया ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो ही बहुत ज़्यादा आगे तरक्की कर रहा है। किस बिहाफ पे इंडिया स्ट्रॉन्ग है? उनकी देख लें, उन्होंने ट्रेन्स बना दी हैं। हमारे पास क्या है, सिर्फ एक मेट्रो है, एक ऑरेंज ट्रेन है, एक ऑरेंज ट्रेन बनाई हुई है। उनके पास कितनी ज़्यादा ट्रेन्स हैं जो सीधी सीधी उन्होंने कुछ एयरपोर्ट्स के लिए जा रही हैं, और उनके पास स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं। वो स्किल्स को अब तो इलेक्ट्रिक कार भी लॉन्च कर लिया इंडिया ने। हाँ, कल यार हमने क्या किया, कौमी तरह ना। सरप्राइज नहीं होना चाहिए आलिया जी, बिकॉज 1800 साल से भारत अकेला पूरे विश्व को 27% ऑन एन एवरेज GDP देता था। मतलब लास्ट 2000 साल का जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसके पीछे तो हम जाते भी नहीं, क्योंकि हिस्टोरियंस बोलेंगे उसके पीछे भी 25,000 साल जितना हिस्ट्री है। लेकिन मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि लास्ट जो 2000 साल का हिस्ट्री है उसमें तो सब कोई अग्री करता है कि उसे अगर हम अपना जो है प्रेसिडेंट जो है वो सही मुंतखब करते हैं तो ये हमारे हाथ में है। तो मेरे ख्याल से ये हो सकता है, इट्स पॉसिबल। अगर आप देखेंगे कि अगर आप अपना हुक्मरान वैसा चूज करेंगे तो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है कि आप जो है वो तरक्की की राह की तरफ चले। जय हिंद दोस्तों, दोस्तों आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी भारत में इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन दोस्तों इसी इलेक्शन के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हमने 1000 साल का रोड मैप तैयार कर लिया, यानी कि हमने 1000 साल तक अपने देश को कैसे आगे ले जाना है इसका रोड मैप तैयार कर लिया है। और इसी के मुद्दे में हम जो है वो आने वाले टाइम में जो इलेक्शन के बाद का टाइम होगा उसके बाद बड़े बड़े फैसले लेंगे और भारत की तरक्की को और आगे ले जाएंगे। हालांकि इस साल भी जो ये टर्म था इसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोग्राम भारत की सरकार ने किए हैं, जैसे मेक इन इंडिया और जैसे डिजिटल पेमेंट और डिजिटलाइजेशन, जिससे कि भारत की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला है। क्योंकि पहले जहाँ पर डिजिटली जो है लोग काम करते थे लेकिन उनको जो है पेमेंट नहीं मिल पाती थी डिजिटली उनको। दोस्तों आज की हमारी पूरी वीडियो भी इसी टॉपिक पे होने वाली है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों अब बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं भी आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम भी जानना चाहते हैं, वैसे तो हमें नजर आता है कि इंडिया में वैसे ही बहुत बहुत बड़ा चेंज हर डेली बेसिस पे आता है, डेवलपमेंट्स इतनी बड़ी हो रही है, इंडिया जहां पर इस वक्त पहुंच चुका है तरक्की में, लेकिन क्या इससे भी आगे जाने वाला है और क्या बड़ी चेंजेस आप देख रहे हैं? देखिए आलिया जी, हमें पहले तो ये समझना है दर्शकों को कि प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं, ये जो इलेक्शन है 2024 वाला, ये ग्लोबल लीडर का इलेक्शन हो रहा है, ये हम नेशनल लीडर इलेक्ट करने नहीं जा रहे। तो जब हम ग्लोबल लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो ना सिर्फ वो बड़े चेंजेस भारत के लिए प्लान्ड है, बट वो बड़े चेंजेस पूरे विश्व के लिए प्लान किए जा रहे हैं। तो जब हम विश्व की बात करते हैं तो हर एक देश की बात हो रही है। लोकली अगर आप देखोगे तो भारत के जितने भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं उसके परमानेंट सॉल्यूशन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये थर्ड टर्म में जो 2029 तक हम बताते हैं कि वो सारे प्रॉब्लम्स, मैक्रो प्रॉब्लम्स, वो सॉल्व कर दिए जाएंगे परमानेंटली। तो और प्रधानमंत्री जी तो क्लियर बताते हैं कि 1000 साल का जो प्लानिंग है उस हिसाब से जो अचीवमेंट होना चाहिए उस हिसाब से पॉलिसी को ट्वीक किया जाएगा इस थर्ड टर्म में। तो चाहे वो एडुकेशन सेक्टर, आप ये कह रहे हैं डॉक्टर अंकित, आप ये कह रहे हैं कि आपके प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का टारगेट की प्लानिंग 1000 साल तक है आगे? देखिए एक चीज तो मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, जो मैं 2 साल से मैं बताता आ रहा हूं और अब तो उन्होंने भी बता दिया उनके इंटरव्यू में, जो डेट वाइज प्लान उनके पास 2047 तक का तो है, वो तो डेट वाइज प्लान है। हाँ, वो उन्होंने मान भी लिया है। लेकिन जब वो 1000 साल की बात कर रहे हैं तो वो उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं जिसको हम सनातन बोलते हैं। सनातन मींस दैट इज वैलिड टिल इटर्निटी। ओके, तो अगर आपके बेसिक प्रिंसिपल्स जिससे गवर्नेंस होता है, चाहे वो एडुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नेंस की बात हो रही है, इंटरनल गवर्नेंस की बात हो रही है, चाहे वो इलेक्शन फॉर्मेट की बात हो रही है, चाहे वो किस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स होगी, बजटिंग की बात हो रही है, किस प्रकार का डिफेंस होगा उसकी बात हो रही है, तो पॉलिसी में ऐसे फंडामेंटल चेंजेस
जो आपको 1000 साल तक रेलेवेंट रहेंगे, उस प्रकार के चेंजेस की बात हो रही है। तो और ये बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना चाहिए आलिया जी, बिकॉज 1800 साल से भारत अकेला पूरे विश्व को 27% ऑन एन एवरेज जीडीपी देता था। मतलब लास्ट 2000 साल का जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसके पीछे तो हम जाते भी नहीं, क्योंकि हिस्टोरियंस बोलेंगे उसके पीछे भी 25000 साल जितना हिस्ट्री है। लेकिन मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि लास्ट जो 2000 साल का हिस्ट्री है उसमें तो सब कोई अग्री करता है कि 1800 साल तक 27% ग्लोबल जीडीपी को अकेले भारत ने दिया। ये तो हर कोई मानता है। तो सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि हम उस प्रकार की प्लानिंग के लिए केपेबल है। अब समझने वाली इसमें बात यह है कि 1947 में जो हुआ, जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकली नेगोशिएटेड इंडिपेंडेंस, 15th August 1947, हम इसको नहीं मानते। हम मतलब जो कोई भी एक सनातन विश्व में बिलीव करता है, जो सबकी अच्छाई के लिए सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास की बात जो करता है पूरे विश्व का, के इश्यूज बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इश्यूज ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जैसे कि आप पेट्रोल देख लें, इसकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। उसके अलावा अगर पेट्रोल बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली जो है बाकी चीज़ें भी बढ़ रही हैं, जैसा कि ग्रोसरी करने जाएँ तो एवरी थिंग पे जो है ना वो मतलब कि इंक्रीजमेंट ही हुई जा रही है। और जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बहुत लो है। लाइक अगर आपकी सैलरी है तो वो 25K या फिर 30K है, या 35 या 40K, दैट्स इट। और इसमें गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जबकि कंपैरेटिवली और यहाँ पे रुपया भी क्रैश होता जा रहा है दिन ब दिन, और इंडिया की करेंसी हमसे आगे निकल चुकी है। आने वाले वक्त में आपको क्या लगता है पाकिस्तान और इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहे होंगे, कौन सा मुल्क ज्यादा आगे चला जाएगा? अभी करंट सिनेरियोज में तो हमारे पास इंडिया आगे जा रहा है, आने वाले वक्त में आपके पास कोई चांस है पाकिस्तान की तरक्की का? मेरे ख्याल से अगर हम अपना जो है प्रेसिडेंट जो है वो सही मुंतखब करते हैं तो ये हमारे हाथ में है। तो मेरे ख्याल से ये हो सकता है, इट्स पॉसिबल। अगर आप देखेंगे कि अगर आप अपना हुक्मरान वैसा चूज़ करेंगे तो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है कि आप जो है वो तरक्की की राह की तरफ चले। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से भारत जो वो आने वाले टाइम में अपने रोड मैप को तैयार कर चुका है और ये बता चुका है कि आने वाले टाइम में हम और ज़्यादा इससे ज़्यादा तरक्की करेंगे। दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया में भारत की इकोनॉमी पूरी दुनिया में इस जो भी देश है उनमें सबसे काफ़ी अधिक जिसे आगे बढ़ रही है। यहां तक कि चीन और अमेरिका की इकोनॉमी भी भारत को टक्कर नहीं दे पा रही है और भारत की इकोनॉमी जो वो काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। दोस्तों भारत जो है इसी के साथ काफी बड़े बड़े मुद्दों में अपनी राय जो है वो काफी ठोस तरीके से रखता है, यानी कि अब भारत पर जो इन्फ्लुएंस होता था बाकी अन्य देशों का अब वो पूरी तरीके से जो है वो घट चुका है, यानी कि 0% है।